न्यूमरोलॉजी की दुनिया का सच। तीन कैटेगरीज में हम नंबर्स को बांटते हैं। कुछ कैटेगरीज होती हैं यूनिवर्सली बेनिफिक, कुछ होती हैं यूनिवर्सली न्यूट्रल और कुछ होती हैं यूनिवर्सली मैलेफिक। कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं उन अंकों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, फिर चाहे वो मूलांक हो, चाहे वो आपका भाग्य अंक हो, चाहे वो आपका नामांक हो, चाहे वो आपका कुआं नंबर हो। मान लीजिए आपने अभी प्रोफेशन की बात की, तो जैसे किसी का एक नंबर है, तो जितने एक नंबर वाले हैं क्या सबका प्रोफेशन सेम होगा या अलग होगा? इन सब के प्रोफेशन अलग होंगे और कुछ हद तक सेम भी होंगे, लेकिन अगर एक इनके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, जो 18 है, जो या 18 कह रही हूँ, जो 19 है या जो 28 है, इनके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगी। जो प्योर वन है, मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि आप वन के ही प्रोफेशन पे जाओ, कि 1, 10, 19 और 28 ये सेम नहीं है। सबसे पहली बात तो जो नंबर वन पर है वो प्योर वन है, लेकिन जो नंबर 10 पर है, नंबर के आगे जीरो लग गई, मतलब उस नंबर का एक्सेस, उस नंबर की अति। 28 नंबर है, उसमें मून भी आ गया दो नंबर से, 8 नंबर से शनि आ गया, और टोटल कर रहे हैं तो सन भी आ गया। तो सन और शनि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे उसकी लाइफ में, प्रोफेशन पे पीछे तो नहीं घटा देंगे? उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। क्या होता है कि जिनका एम ए लाइक मूलांक और भाग्यांक अगर ये 1 और 8 आ रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुआं नंबर, ये कुआं नंबर क्या होता है? कुआं नंबर एक्चुअली अगर हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम फैंगशुई की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं मिसिंग गुआ, इसको बोलते हैं 8 हाउसेज ऑफ फैंगशुई, इसको बोलते हैं 8 डायरेक्शंस ऑफ फैंगशुई। मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मैलेफिक नंबर्स को एक्टिवेट करो अपने जीवन में, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को आप और मत बढ़ाओ। तो जब से ये हो गया है कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो है ये कहते हैं कि आप अपने लकी कलर का मोबाइल का कवर रखिए या मोबाइल जो है लकी कलर का लीजिए, तो ये क्या है? अगर हमें जो है मूलांक के हिसाब से उस नंबर का लकी कलर लेना चाहिए, कुआं नंबर का या डेस्टिनी नंबर का? देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ये चीज़ है, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा डिसीजन है जो हमारे हाथ में नहीं था, हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है कॉन्शियस डिसीजन है। मोबाइल के नंबर्स जो हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है आपके मोबाइल का टोटल, तो उसका इम्पैक्ट भी आपके ऑरा में बिल्कुल आता है, 100% आता है। पासवर्ड्स का भी इम्पैक्ट आता है, कोई स्पेसिफिक पासवर्ड्स आप रख लेते हो उसका भी इम्पैक्ट आता है।